पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ देखने को मिल रहा है। नए साल की शुरुआत में मौसम विभाग ने जिस तरह से साफ कह दिया था कि बारिश होगी, उसी तरह से हम देख रहे हैं पिछले दो दिन से दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। और ये अनुमान मौसम विभाग ने 6 जनवरी तक जताया है कि 6 जनवरी तक दिल्ली NCR में बारिश रहेगी और साथ ही साथ जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी। आज दिल्ली का जो तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी तापमान में बढ़ोतरी हुई है। और जिस तरह से ठंड पड़ रही है, आने वाले समय में मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 7 जनवरी के बाद से दिल्ली में कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ेगी, शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो पारा है वो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस जा लुढ़केगा। इस वक्त हम मौजूद हैं विजय चौक पर, तस्वीरें दिखाएंगे कि दो दिन से हो रही बारिश के बाद जो मौसम है वो जरूर सुहाना हो गया है, कोहरे में कमी देखी जा रही है, मौसम बिल्कुल साफ है। जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि दिल्ली में अलग अलग इलाकों में कोहरे की चादर से ये पूरा इलाका ढका हुआ था, इंडिया गेट आपको साफ नजर नहीं आ रहा था। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि इस वक्त देखिए इंडिया गेट भी आपको साफ नजर आएगा। सुबह का वक्त है और सूरज जो है वो निकल गया है, यानी उम्मीद जताई जा रही है कि आज धूप होगी, लेकिन मौसम विभाग ने साफ कहा है कि दो दिन तक आने वाले समय में बारिश की जो स्थिति है वो दिल्ली में देखने को मिलेगी। फिलहाल जो पारा है वो 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और मौसम विभाग ने कल यानी सोमवार को ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया था, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि रविवार वाले दिन पूरे दिन तेज बारिश हुई, उसके साथ ही कल यानी सोमवार वाले दिन हमने देखा शाम को दिल्ली में तेज बारिश की तस्वीर देखने को मिली। अभी सुबह का वक्त है, अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने साफ चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में यानी कल, आज और कल बारिश देखने को मिलेगी दिल्ली में और साथ ही साथ 7 जनवरी के बाद जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी और दिल्ली में एक बार फिर से कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ेगी और साथ ही दिल्ली वालों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ भावना किशोर, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।